दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ छल किया है, 10 साल में दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया। अरविंद केजरीवाल और उनकी मुख्यमंत्री आतिशी ने कोविड के समय में लोगों के साथ धोखा किया। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने कहा था कि बस लगी हुई है, आप अपने घर चले जाओ, पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में वायु प्रदूषण के साथ यमुना नदी प्रदूषण की समस्या को उठाया। कहा कि यमुना नदी में सफेद जहरीली झाग की परत बनी हुई है, जिससे आगामी छठ पूजा पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं और इन सब के लिए दिल्ली सरकार दोषी है। का डुबकी लगाने के लिए मैंने आपको आमंत्रित किया था, आपने कहा था कि चुनाव सर पर है, मैं डुबकी लगाऊंगा नहीं तो मुझे वोट मत देना। आप तो आई नहीं, और यमुना की हालत देख लीजिए, वायु प्रदूषण हो या यमुना का प्रदूषण हो, दोनों आपके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। आपने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया, खा गए कमीशन खाई, लेकिन काम कुछ नहीं किया। दिल्ली में पोल्यूशन, वायु प्रदूषण डस्ट से है, मिट्टी से है, धुएं से है। ये धुआं व्हीकल का है और पराली का है, डस्ट उन गड्ढों से है जो सड़कें आपने ठीक नहीं की गई। तो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप कुछ भी बोलेंगे। यमुना में झाग छुपाने की कोशिश की जा रही है, जो केमिल जो एसटीपी प्लांट काम नहीं करे उस पर आप बात नहीं करते। अरविंद केजरीवाल ने जहाँ से शुरू किया ना, वहीं से करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, तो अब वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं अरविंद केजरीवाल साहब, जिन्होंने करप्शन को मैकेनाइज्ड किया है दिल्ली में। आप कह रहे हैं मैंने दिल्ली में काम किया, आपने दिल्ली का काम तमाम किया है। आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने आपको प्यार दिया है, लेकिन आपने उनके साथ क्या किया? आपने उनको झांसा दिया है, धोखा दिया है, छल दिया है, दिल्ली को लूटने का काम आपने किया है। आप कहते हैं 10 सालों में मैंने बहुत काम किया,